कहां से वापस होगा, कैसे वापस हो? ठीक है, राजेश चौधरी साहब से मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश चौधरी साहब, जो फोटो कल्चर शुरू किया गया है बीजेपी की तरफ से, जो कहा जा रहा है एसपी नेता की तरफ से, राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, एक फोटो कल्चर शुरू कर दिया गया, चीजें पहुंचाने की एक कोशिश की जाती है जनता के बीच, ताकि एक एजेंडा जो है वो सेट किया जा सके, ये सब क्या है? देखिए, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी अपनी बात कह रहे थे। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि हिंदू धर्म के कार्यक्रम में और सनातनी जो मंदिर बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस तो इसी बात को कहेगी। कांग्रेस के शासन में पूरे पूरे 10 साल तक पूरे सुनिए सुनिए भाई, मैं नहीं बोला था कि मैं आपके बीच जवाब, अरे सुनो ना, सुनिए सुनिए, सुनने की हैसियत रखिए, सुनना ये लोग बताइए ना कि ये लोग प्रधानमंत्री हाउस में, पीएम हाउस में और राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार करते थे, मुख्यमंत्री महिला है इसलिए यादव मुसलमान को बुलाकर के रोजा इफ्तार की दावत देते थे, उसमें इनको धर्मनिरपेक्षता नजर नहीं आ रही है? मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे और हिंदुओं का कोई काम धर्मनिरपेक्षता? आज हिंदुओं के लिए आपका धर्म खराब होगा? और दूसरी बात, कांग्रेस की बात करूं मैं, इनकी इनकी नेता है सोनिया गांधी, कांग्रेस की सर्वमान्य नेता है, कैथोलिक ईसाई है, वो हिंदू नहीं है, वो सनातन नहीं है, कैथोलिक ईसाई, वो हिंदू धर्म के बारे में क्या आस्था रखेगा? ये आप सोचिए, तो इनको तो गुलामी करनी है सोनिया गांधी की। राहुल गांधी मंदिर में जाने वाले लड़कियां का काम करते, ठीक है, बैबू जी भी जवाब देना चाह रहा है, बैबू जी बोलिएगा फिर आगे और गेस्ट के पास। सब जानते हैं आज भी ठीक है सर, एक एक करके आपकी आवाज फिर क्लियर नहीं पहुंच पा रही है हम तक, आप लगातार सारे बोलेंगे तो एक साथ आवाज नहीं पहुंच पाएगी, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आवाज पहुंचेगी। ठीक है राजेश जी, वह साहब फटाफट से जवाब दीजिएगा फिर मैं आगे भी बढ़ती हूँ। हमारे साथ राजकमल साहब भी, धर्मगुरु भी, उनका भी रुख करते हैं। ऐसा है, इन्हीं की पार्टी के नेता तो पकड़े गए थे, प्रोनोग्राफी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सदन में बैठ के देख रहे थे, वही तो पकड़े गए। इन्हीं के नेता ने अभी वाप पीएचयू में बलात्कार किया, एक महीने तक पुलिस ने बयान नहीं ली, ये तो बनारस में प्रधानमंत्री एक और पुलिस का हाल है, ये तो हाल बनारस को बचाने में तो नंबर वन। ठीक 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 है, चले मैं लौटूंगी आपके पास भी। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हैं, उनका जरा हम रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी महाराज जी, क्योंकि आप तमाम पार्टियों को सुन रहे हैं, तमाम पार्टियों को आपने देखा, शायद कनेक्शन का हमसे कट चुका है, वापस उनके पास में लौटने की कोशिश करूंगी, लेकिन हमारे साथ चले वापस लौट चुके आप, क्योंकि तमाम पार्टियों को सुन रहे हैं और आप लगातार ये भी देख रहे हैं किस तरीके की राजनीति इसको लेकर हो रही है, और जाहिर तौर पर ये हमेशा से आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, बीजेपी राम मंदिर को लेकर राजनीति करती रही है, लेकिन अब जब राम मंदिर का काज हो रहा है तो इतनी आपत्ति और विपत्ति टाइप की क्यों तमाम विपक्षी पार्टियों को हो रही है, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं इतने? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, बीजेपी के बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, सभी अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मैं बता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्कू जी से मिला, मैं मनाली में था तो मनाली में भी कलश की पूजन हो रही थी, अक्षय कलश वहां भेजे जा रहे थे, क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस? चले मैं वापस आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पे। राजकमल गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकमल साहब, इतनी आपत्ति आखिर क्यों है? पहले तो यही पूछा जाता ना, कब राम मंदिर बनेगा, कब यहाँ पर रामलला जो है विराजमान होंगे, लेकिन अब इतना ज्यादा इसको लेकर क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? देखिये, ये केवल क्वेश्चन इसलिए करा जाता है कि ये राजनीतिक लोग है, केवल तुष्टिकरण की नीति करना चाहते है, और ये उस तुष्टिकरण के लिए केवल मुसलमानों को ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति जो है वो की जा रही है यहाँ पर, राजकमल साहब ये कह रहे हैं। वैभव साहब के पास भी हम चल लेते हैं। वैभव जी, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है ये राजकमल साहब की तरफ से कहा जा रहा है, और ये भी सवाल बार बार उठ रहा है कि जो निमंत्रण ना करने का एक जो फैसला लिया गया उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी बू आ रही है कि एक खास तबका कहीं नाराज ना हो जाए तो उसको भी बचा कर रखना, इसलिए भी शायद ना कहा गया निमंत्रण को। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि भाजपा के प्रवक्ता अभी पीछे कूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। दूसरा, अभी जो हिंदू परिषद के प्रतिनिधि बोल रहे थे कि तुष्टि
भाई साहब तुष्टीकरण नहीं, आपके शीर्षस्थ नेता प्रवीण भाई तोगड़िया ने बस एक मांग की मोदी जी से कि भाई हम बाकी पार्टियों से जिनकी सरकारों से ये मांग करते आए थे कि आप एक कानून ले आइए संसद में और राम मंदिर का निर्माण करिए। कांग्रेस कहती थी कि भैया कोर्ट निर्णय करेगा हम वो मानेंगे और उससे उससे आगे जो कार्रवाई होगी। नरसिम्हा राव सरकार में तो अध्यादेश भी आया था, विरोध किसने किया था? भाजपा ने किया था। दूसरी चीज, विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण भाई तोगड़िया को इसलिए विश्व हिंदू परिषद से बाहर निकाल दिया दूर की मक्खी की तरह, क्योंकि उन्होंने मोदी जी से कहा था, मोदी जी से सवाल किया था ये सरकार क्या है, सरकार का कोई योगदान नहीं है, कोर्ट ने निर्णय दिया उसके फलस्वरूप ये मंदिर बन रहा है। लेकिन मंदिर बन रहा है अभी लगभग 2 साल में पूर्ण होगा मंदिर, लेकिन इनको राजनीतिक एजेंडे के तहत उसमें फोटो चाहिए, मोदी की फोटो जीडी है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए। एक तरफ जहां देश महाकर्ज में डूब रहा है, 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, हंगर इंडेक्स में पिछड़ गया, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत हो गई, बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो गई, इन सभी मुद्दों से मुंह छिपाने के लिए ये भगवान के पीछे भाग रहे हैं। एक अभी मैं वाकई आपको बता दूं, मैंने एक सवाल डाला था सोशल मीडिया पे कि पूज्य पाठ शंकराचार्य के से विरत होकर किस सनातन की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें एक भाजपाई ने कमेंट क्या किया जानती हैं, ये सारे शंकराचार्य जो हैं वो मुस्लिम हैं। इस स्तर की भाजपा के लोगों की विकृत मानसिकता है जो कि शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके से गंदे और अश्लील टिप्पणी करते हैं, ये सनातन के लिए ठीक है। स्वयं मैं आपको ठीक है, राजेश चौधरी साहब आप जवाब दीजिएगा, वैभव साहब कह रहे हैं जरा जवाब दीजिएगा फटाफट से। इनको केवल 2024 का चुनाव नजर आ रहा है, उस चुनाव में मुसलमानों के वोट चाहिए, राम भक्त मंदिर की तरफ जाएंगे तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा, केवल इसलिए राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, और वो केवल राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, वो भारत माता के मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारी अस्मिता के मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारतीय संस्कृति की पहचान का निर्माण हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो दुनिया को बता देने वाले व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, दुनिया को बता देने का काम होता है। ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के कारण अपना वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जालीदार टोपी वाले इससे नाराज ना हो जाए, केवल इसलिए मंदिर से दूरी बना रहे हैं। ये 2024 में नजर नहीं आएंगे ढूंढे लोकसभा के अंदर, जो हाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है ना, उससे भी बुरा हाल वहां होगा। और कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी जिस तरह से पराजित लगातार होती आ रही है, अखिलेश यादव के चेहरे को जनता जिस तरह लगातार नकार रही है, फिर एक बार 2024 में नकारेगी। हर चीज का राजनीतिकरण करने का काम ये लोग करते हैं। राम मंदिर हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, राजनीति का काम नहीं है वहाँ हमारा। ये लोग राजनीति, ये लोग मुसलमानों को नाराज ना हो जाए इसलिए वहाँ जाने का काम, बिल्कुल किसको खुश करने की कोशिश हो रही है। और क्या चुनाव के लिए यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतना जल्दी हो रहा है, जाहिर तौर है चीजें सबके सामने हैं और जनता जो है बखूबी इस पर निगाह बनाए हुए है। हालांकि एक निमंत्रण जो है वो जरूर भेजा गया था यहाँ, क्योंकि राम को अपनाने की बात सब कह रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में जाने को कोई तैयार नहीं है। खासकर विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से निमंत्रण का पहले वो आह्वान कर रही थी कि निमंत्रण हमें दिया जाए तो हम जाएंगे, लेकिन अब जब निमंत्रण मिल चुका है तो उसे अपनाने से ही इनकार हो रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।